हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए आए हैं चिकन के कोफ्तों की बिरयानी। ये हमने आधा किलो चिकन का कीमा लिया है। ये चने, खशखश, प्याज, 7 से 8 पीली मिर्च, गरम मसाला है। इसको करके हम सिल पे पीसेंगे। कीमा बन के पीस के तैयार हो गया। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते हमारे बनके तैयार हो गए। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये हम तेल डालेंगे इसमें। मैं कोफ्ते बनके तैयार हो गए। कोफ्ते जो है फ्राई हो गए। और ये हमारी 2 से 3 प्याज की डंटी है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये हमने प्याज डाल दी। और ये इतनी भंगार के लिए हमने प्याज रोक ली। प्याज को हम हल्का डार्क ब्राउन करेंगे। भाई प्याज हो गए हल्के डार्क ब्राउन। अब इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 लहसुन अदरक का पेस्ट। दोस्तों आप भी कहते होंगे हम क्या करते रहते हैं, क्या करें, जो दिल में आता हो बनाते रहते हैं। हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा बन के तैयार हुआ है। तो उसके बाद इसके अंदर 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच पीली मिर्च, 1 चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे। दोस्तों अच्छी तरह भून लेंगे। दोस्तों मैं खाना बनाता था, मेरे बेटे ने कहा, बेटे ने कहा, पापा जब आप बनाते हो तो आप YouTube पर डाल दिया करें, जो बनाया करें। तो मैंने जो है स्टार्टिंग करी। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। ये हमारा जो है भून के तैयार होने वाला है। हमारे बेटे ने हमसे कहा, बेटे ने कहा कि YouTube पर आप डाल दिया करें, लेकिन आप लोगों का प्यार मिला हमें 400, 450 व्यूज आने लगे तो हिम्मत बढ़ी। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इसमें हम कम से कम 50 ग्राम दही डालेंगे। इसमें 1/2 कप दूध डाल देंगे। इसका कलर बड़ा अच्छा निकल के आएगा। पिएगा। इसमें नमक डाल देंगे 1.5 चम्मच। नमक डाल दिया। दोस्तों आपसे उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ये उम्मीद है। दोस्तों जिस घड़ी से हम आए हैं, हमारा जो वक्त बीता ही हम जानते हैं। ये तो बेटे की राय पे हमने चालू कराया चैनल। और आपसे उम्मीद है कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। अब इसमें हम कोफ्ते डाल देंगे जो हमने फ्राई करे थे। हम इसको भून लेंगे। इसको 5 मिनट तक हम भूनेंगे। उसमें 1/2 स्पून गरम मसाला, खुशबुएं, इसमें पानी डाल देंगे। अब इसको 5 मिनट के लिए हम ढक देंगे। देखिए हमारा कोफ्ते बनकर तैयार होगा। अब हम चावल की तैयारी करेंगे। देखिए ये 5 से 6 छोटी इलायची ली हैं, 5 से 6 लौंगे, खड़ी खुशबुएं, तेज़पात का पत्ता, ये हम डाल देंगे पानी में। 2 चम्मच नमक, उसमें नमक। जब तक हमारे चावल तैयार हो रहे हैं, जब तक हम चटनी कर लेंगे। दही के लिए जिसमें हमने हरी मिर्ची ली है, जीरा लिया है और लहसुन लिया है। जब तक हम अपना दही फेंट लेंगे, इसमें चटनी जो हमने तैयार करी वो डालेंगे। 1 चम्मच नमक डालेंगे। हमारी दही चटनी तैयार हो गई है।
अब हम बिरयानी तैयार करने जा रहे हैं। चावल खोल पानी खोल के तैयार हो गया, इसमें हम चावल डालेंगे। चावल हमने डाल दिए, अब इसको हम उबाल लेंगे। हमारे चावल तैयार हो गए, उबल गए। अब इसका पानी हम निकाल देंगे, इसमें हम कोफ्ते डाल देंगे। इसमें हम चावल डाल देंगे, इसमें कड़ा डाल देंगे। ये हरी मिर्चें डाल देंगे ऊपर से, गरम मसाला डालेंगे थोड़ा ऊपर से, ये खुशबू डाल देंगे, ये केवड़ा डाल देंगे थोड़ा। देखिए हमारा चावल तैयार होगा दम में भी आके। अब हम भंगार करेंगे इसका। ये हमारी बिरयानी तैयार हो गई, इसको मिक्स कर लेंगे। तो हमारी कोफ्ता बिरयानी तैयार हो गई, और ये रहता है जिसमें हमने हरी मिर्च और ज़ीरा लहसुन का चटनी करी थी। दोस्तों इसको आप बना के देखिएगा, बड़ा लाजवाब होती है। कोफ्ता बिरयानी आपने खाई होगी, लेकिन ये बिरयानी आप खा के देखिएगा, ये आपके लिए स्पेशल डिश है। और हमारे फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको नई नई डिश मैं आपको दिखलाऊंगा। हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारी हिम्मत बढ़ती है कि हमारे दोस्तों ने हमारी फिल्म जो है लाइक करी, सब्सक्राइब करा। दोस्तों ये आप ध्यान में रखिए कि हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अब देखता हूँ इस बिरयानी में कितने सब्सक्राइब आते हैं। अगले नेक्स्ट डे आपको नई डिश दिखलाऊंगा, वो भी लाजवाब होगी। जब तक लिए शब्बा खैर, अस्सलाम वालेकुम, गुड नाइट।